आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल English Winglish पर। आज हम बातें करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद। तो इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। पार्ट्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हम हिस्सों को कहते हैं, हिस्सा, अंश या टुकड़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात स्पीच के टुकड़े। अब ये स्पीच क्या है? Something that is spoken is called speech. अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे ही हम speech कहते हैं। अब बोलने के लिए हमें वाक्यों की जरूरत पड़ती है। वाक्य किससे बनते हैं? छोटे छोटे शब्दों से। छोटे छोटे शब्दों से मिला करके हम एक अर्थपूर्ण वाक्य अर्थात मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में किसी भी वाक्य में आए हुए शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है, जिसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वे आठ भाग हैं, नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, कंजंक्शन, संयोजक और इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक। तो अभी हमने देखा कि ये आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, इंग्लिश में भी और उनके नाम हमने देख लिए हिंदी में भी। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन अर्थात संज्ञा को। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हमने शुरू से याद कर रखी है, शुरू से हमने इसे रटा हुआ है, इसलिए यह सबकी जुबान पे रहता भी है। परंतु इसका एक और छोटा तरीका है इसकी परिभाषा को याद करने का, जिनको ये बड़ी बड़ी परिभाषाएं याद नहीं होती उनके लिए। एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम नाउन है, कोई भी नाम संज्ञा है। अब एनी नेम से क्या अर्थ हो गया? राम है, इंडिया है, टीचर है, बॉय है, स्काई है, टाइगर है, टेबल है, बुक है। कोई भी नाम, दुनिया में जितने भी नाम हैं, इन सब के अलावा खुशी है, गुस्सा है, शांति है, दुख है, इन सब के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है? क्या ये नाउन है? नहीं, ये वस्तु नाउन नहीं है, बल्कि इसका नाम पेन या मार्कर, यह जो है वो नाउन है। व्हाइट बोर्ड, घड़ी, लाइट, ये सब जितने भी नाम है वो नाउन है। आपके आसपास जो भी दिखता है, बादल है, आसमान है, धरती है, नदी है, पहाड़ है, ऐसी वस्तुएं जिनका नाम आपको नहीं भी मालूम है, पर वह भी एक नाउन है, क्योंकि उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। अब हम बातें करेंगे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए, किसी भी नाम की जगह पर हमने जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है, वही हमारा सर्वनाम होता है, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। और इन शब्दों को हम प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिख रखा है, देखिएगा। राम इज अ गुड बॉय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही लाइक्स म्यूजिक, ही वांट्स टू गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि बात जो है राम की ही हो रही है। हर जगह इन चारों वाक्यों में राम के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार हर जगह हम राम इज अ गुड बॉय, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम लाइक्स म्यूजिक ऐसा लिखे तो ये रिपीटेशन जब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही जगह उसका नाम हो, बाकी जगह हमने ही यूज किया है, तो ही जो है वो इस संज्ञा के बदले आया है। इस राम नाम की जगह पर हमने ही लिखा है, तो राम जो है वो नाउन है और ही जो है वो प्रोनाउन है। तो
इस तरह से हम बाकी प्रोनाउंस का भी प्रयोग कर सकते हैं उनके नामों के अनुसार। लड़की है तो शी यूज कर लेंगे, कोई वस्तु है कोई पेट है तो इट यूज कर लेंगे, और एक से अधिक है तो उनके लिए हम दे शब्द का यूज इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम बातें करेंगे एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के बारे में। एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए विशेषण कहलाता है। ऐसा कोई भी शब्द जो आपके वाक्य में प्रयोग हुआ हो जो संज्ञा या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई खास बात बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अ ग्रीन कार। कार जो है वो नाउन है और वो कार कैसी है वह बता रहा है ये शब्द ग्रीन, तो ये ग्रीन जो है वह विशेषण हुआ। रेड साड़ी, ब्लू स्काई, हॉट चिली, बिग बुक। तो ये हमने देखा यहाँ पर नाउन के बारे में कोई ना कोई विशेष बात जो शब्द बदला रहे हैं उसे ही हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये ग्रीन है, ये हॉट है, इधर ये बुक, यहाँ रेड और यहाँ पर ब्लू, ये सारे शब्द जो है वो नाउन के बारे में स्पेशल बातों को बता रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी विशेषण जो है वो नाउन से या प्रोनाउन से पहले ही आता है। अब हम बातें करेंगे वर्ब अर्थात क्रिया के बारे में। वर्ब शोज एन एक्शन। जो कार्य के विषय में बतलाए वह क्रिया है। ऐसा शब्द जो किसी भी कार्य को बताता वह क्रिया कहलाता है। और नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट वर्ब। कोई भी वाक्य आपका क्रिया के बगैर पूरा नहीं हो सकता। दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, सोचना है, बोलना है, लिखना है, देखना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, लेना है, देना है, ये सारी बातें जो है वो क्रिया के अंतर्गत आती है जिन्हें हम वर्ब कहते हैं। गो, रन, वॉक, स्लीप, ईट, टॉक, राइट, रन, राइड, रिच, ये सारी जो बातें हैं, जो सारे शब्द हैं वो क्रिया है, वर्ब्स है। अब हम बातें करेंगे एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण की। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यह क्रिया की विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। क्रिया की विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। इसके बारे में और एक दो बातें जान लेंगे। इट टेल्स हाउ, वेयर और व्हेन। ये जो एडवर्ब है ये हमें बताता है कब, कहाँ और कैसे। एंड ऑफन एंड्स इन ली। और अधिकतर इस क्रिया विशेषण का जो अंत है वो एल वाई से होता है। इसके अंत में एल वाई अधिकतर रहता है, हर एक में हो ये जरूरी नहीं, कुछ अपवाद भी है, लेकिन अधिकतर इस शब्द में, इस एडवर्ब में अंत में एल वाई आता है। एग्जाम्पल देख लेंगे। टुडे आई वॉक्ड टू स्कूल क्विकली। आज मैं स्कूल बहुत तेजी से गया। ये देखिए ये किसके बारे में बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये एक वर्ब के बारे में बता रहा है। वह स्कूल गया, ये क्रिया है वॉक, और इसके बारे में वो बता रहा है कि वो कैसे गया, तेजी से गया था वो। आई अराइव टू अर्ली। मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा, अराइव जो है वो क्रिया है, क्रिया की विशेषता ये बता रहा है कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। तो जो क्रिया की
विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बदला है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यह संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी शब्द के साथ संबंध बतलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। थोड़ा और सरल इसे करें तो इट टेल्स वेयर द थिंग इज। प्रीपोजिशन हमें बताता है कि चीजें कहां पर रखी हुई है। ठीक, जैसे एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, फॉर, अंडर, अबाउट, बिहाइंड। आई लेफ्ट माय बैग ऑन द बस। मैंने अपना बैग बस में छोड़ दिया। कहां छोड़ा? बस में, ऑन द बस। वो बता रहा है कहां पे हमने छोड़ा है, तो यह बताता है कि हमारा सामान कहां छूटा हुआ है, कहां पर है। द मेडिकल स्टोर इज नियर द हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर कहां पर है? नियर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के करीब है। तो इसलिए नियर भी जो है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। अब हम देखते हैं कंजंक्शन अर्थात संयोजक को। नाम से ही जाहिर हो रहा है संयोजक, जोड़ने वाला। इट कनेक्ट्स वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यह दो शब्दों या वाक्य के हिस्सों को जोड़ता है। और इसके एग्जांपल्स हैं एंड, बट, सो, बिकॉज, अनलेस, येट, एक्सेट्रा। ये वो शब्द हैं जो हम कंजंक्शन के रूप में, कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। आई वॉज टायर्ड बट आई स्टिल फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे दो शब्द हैं, सॉरी दो वाक्य हैं, आई वॉज टायर्ड और आई स्टिल फिनिश्ड माई वर्क। मैं थका हुआ था, मैंने फिर भी अपना काम पूरा कर लिया। इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है वो है बट। आई वॉज टायर्ड बट आई स्टिल फिनिश्ड माई वर्क। मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी मैंने अपना काम फिनिश किया। रीमा एंड मीशा आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें दो नाम है रीमा और मीशा। ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है। रीमा एंड मीशा आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। रीमा और मीशा मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन अर्थात संयोजक। अब हम बातें करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम हिस्से इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय अभिबोधक के बारे में। इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन। यह अकस्मात इच्छा या भावना को व्यक्त करता है। हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब हम चौंक जाते हैं, या तो बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, और उस वक्त हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, जो इच्छाएं हमारी, वो उस एक शब्द से ही शो हो जाता है। और इन शब्दों को हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं आउच, वाव, ग्रेट, ओह, उप्स, हेल्प, एक्सेट्रा। वाक्य के रूप में भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रेट, यू फिनिश्ड द वर्क बिफोर टाइम। वाह, तुमने काम समय से पहले ही पूरा कर दिया। मतलब ये इसमें सामने वाले के लिए प्रशंसा और शाबाशी झलक रही है। ओह, वेरी सैड न्यूज। आह, बहुत ही दुखद खबर है। सिर्फ साबित हो जाता है कि व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करना चाह रहा है। हेल्प, ही पुश्ड मी, मदद करो, उसने मुझे धक्का दे दिया। इसमें अपने बचाव के लिए वह प्रयास कर रहा है और वो उसलिए चिल्ला रहा है। तो इस तरह हमने देखा ये शब्द जो है इंटरजेक्शन के रूप में काम आते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखा, बहुत ही शॉर्ट रूप में देखा, और जल्द ही मैं प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग वीडियो लेकर के, डिटेल वीडियो लेकर के आपके सामने आने वाली हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्द ही मैं आपसे मिलती हूँ नाउन के ऊपर अपना नया वीडियो लेकर। थैंक यू।